हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं मेहंदी किस तरीके से घोलें, उसका सही तरीका क्या है जिससे कि हमारे बालों में एक गाढ़ा कलर आए, और हेयर कलरिंग के लिए नेचुरल तरीका है ये, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको एक रात पहले मेहंदी को यहाँ भिगो लिया है, 1 से 1.5 पैकेट मेहंदी को, अगर आपके बाल लंबे हैं तो, अदरवाइज 1 पैकेट इज़ सफिशियंट। एंड उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, मिनिमम 1 चम्मच। इससे आपके बालों में एक्सट्रीमली रेड शेड आएगा, जो कि बहुत लाइट रेड होगा, बट वो बरगंडी शेड की तरह होगा, और ये अपने आपके बालों में एंटीबैक्टीरियल का भी काम करेगी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर कॉफ़ी का एक पैकेट डाल रही हूँ, आप चाहे तो 1 से 1.5 चम्मच कॉफ़ी इसमें मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पूरी पूरी 1 चम्मच कॉफ़ी डाल दी है, और इसके बाद मैं इसमें रूसी को हटाने के लिए साथ ही 1 से 1.5 नींबू डाल रही हूँ। जी हाँ, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 मैश किया हुआ बनाना, ये कंडीशनिंग करेगा मेरे बालों में। और आप इसके बाद मैं डालने वाली हूँ हनी 1 से 2 चम्मच, जो कि हेयर कंडीशनिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं मैंने इस तरीके से हनी डाल दिया है। एंड अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क, मैंने पैकेट वाला मिल्क इस्तेमाल किया है, आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, जो अमूल की क्रीम आती है जिसे हम सब्जी में डालते हैं, उससे आपके बालों में डीप नरिशिंग होगी। बट आप मिल्क भी डाल सकते हैं, बिकॉज क्रीम हर घर में इजीली अवेलेबल नहीं हो सकती, तो आप मिल्क डाल सकते हैं। एंड इसके साथ ही इसको डार्क कलर करने के लिए, हेयर्स को ब्लैकिश बरगंडी शेड देने के लिए, मैं यहाँ पर चुकंदर डाल रही हूँ, जिसे मैंने क्रश किया है, जिसे मैंने आप चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर क्रश कर लिया है, और मैंने इस चुकंदर को डाल लिया है शेड के लिए, जो कि मेरे बालों में एक अच्छी शेड देगा। और इसी में अगर आप हेयर ग्रोथ के लिए भी साथ ही ये पैक बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें मेथी दाना जो है वो पीस करके मिला सकते हैं, वो आपके बालों में कंडीशनिंग तो करेगी ही, साथ ही आपके बालों को भी बढ़ाएगी। तो ये बहुत ईजी है, इसको मिक्स करके मैं इसका पेस्ट, जब हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, ये पेस्ट बन जाएगा अच्छा, तो मैं इसे बालों में अप्लाई कर लूँगी, और आप 3 से 4 घंटे बाद इसे रखने के बाद, 4 घंटे बाद आप इसे धो सकते हैं। एंड धोने के बाद आप इसको पानी से धोने के बाद आप इसको शैम्पू कर लीजिए, कंडीशनर कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अगले दिन ही कंडीशनर करें, बिकॉज़ बालों में गंदगी रहना भी ठीक नहीं है, तो आप उसी दिन शैम्पू कीजिए जिस दिन आप हिना अपने बालों में अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इसे ज़रूर बना करके लगाइएगा, आपके बालों में बहुत अच्छा नेचुरल शेड आएगा, लॉन्ग लास्टिंग। एंड मुझे बताइएगा आपने मेरी अदर वीडियोस देखी है कि नहीं, उन्हें देखिएगा, कमेंट करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड दिस इज़ रियली रियली ऑसम हेयर पैक, और आप किसी भी ब्रांड की मेहंदी ले सकते हैं। और आप इसमें, और अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो पा रहा है, तो सॉरी पतला नहीं हो पा रहा है, तो आप इसमें थोड़ा मिल्क और ऐड कर सकती हैं। मिल्क जो है वो आपके बालों में प्रोटीन के साथ साथ उन्हें हेल्दी बनाएगा, प्रोटीन तो देगा ही बालों को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।